And we've got the latest word on our top story, this bulletin. Baba Ramdev's vulgar attack on Rahul Gandhi. He's just spoken out again. Let's listen. कल के आदरणीय राहुल जी के बारे में जो हमने कहा था, उस हनीमून शब्द को गलत रूप में लोगों ने लिया। हनीमून पीरियड कल जो हमने राहुल जी के बारे में जो कहा उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया। हनीमून पीरियड इज ओवर ऐसा करके सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इस शब्द का यूज किया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी, या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। और ये सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टैंड के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, उतना ही हमारा कहने का अभिप्राय था। और जहाँ तक दलितों का प्रश्न है, ये मैंने पूरे देश भर में महिला सम्मेलनों को शुरू किया तो दलितों का पाद पूजन करके, हिंदुस्तान का पहला सन्यासी होगा जिसने दलितों का पाद पूजन करके और अपना महिला सम्मेलन पूरे देश भर में हमने स्टार्ट किया, और गुजरात में भी वो सम्मेलन मैंने किया था। तो ये उस समय का फोटो है, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। सर, और दूसरी बात ये है, नहीं बात ये है कि वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि दलितों के घर जाकर हनीमून मनाते हैं राहुल। अरे भैया, वो तो बोल दिया ना, मतलब वो तो बोल ही चुका ना, उसी का तो स्पष्ट आपके सामने रखा ना। फिर भी यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है, तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। अगर राहुल की भावनाएं को खेद पहुंची है तो मैंने बोल दिया ना, राहुल जी के लिए जितना बोलना था मैंने बोल दिया। क्या कहेंगे, तो बोल तो दिया। पूरा तो आपने हनीमून का जो अर्थ है जो निकाला गया है वो गलत है, आपका कहना ये।